अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हमदलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला व मन युदलिल फला हादियला व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीकला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहू। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في كلامه المجيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين। मैं आप सब भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ आज के हमारे प्रोग्राम ज़हनी परेशानियों का इलाज। आज हम इंशाल्लाह जो सिलसिला जारी रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई दिनों से, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पहले हम इंशाल्लाह दो टिप्स देखेंगे। दो क्यों, एक आज का और एक गुजरे हुए कल का। जो कल मैं गुजरे कल मैं ये टिप नहीं ले पाया था क्योंकि वक्त में ताखीर हो गई थी। तो आइए हम दो टिप्स देखते हैं कुरान हदीस से, दो अहम बातें जो हम सब के लिए अपने दुनियावी परेशानियां, जो दुनिया में आजमाइश के तौर पे आती है आनी है, वो परेशानी में हल का ज़रिया होगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टिप, और शायद आपको बहुत ताज्जुब हो जो बात मैं कहने वाला हूँ उसके ताल्लुक से। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे ये क्या बात हुई, लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कुरान और हदीस की रोशनी में है, और यकीन है हमारा कि इस चीज़ में हकीकत में परेशानियों का इलाज है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अरदता अन यलीन कल्बुक, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में नरमी महसूस हो, फत इमिल मिस्कीन, तो मिस्किन को खाना खिलाओ, वमसाह रासल यतीम, और यतीम के सर पर हाथ फिराओ। अगर तुम दिल में नरमी महसूस करना चाहते हो तो यतीम को खाना खिलाओ और मिस्किन को खाना खिलाओ, यतीम के सर पर हाथ फैलाओ। मेरे भाई मेरी बहने, ये हदीस इमाम तबरानी ने जमा किया है अपनी किताब मकारिमुल अखलाक में, इसकी तहकीक सही अलजामे में, हदीस हसन सनद से है, एक्सेप्टेबल है, मोतबर है, रिलायबल है। तो बात यहाँ ये है कि अगर दिल में हम नरमी महसूस करना चाहते हैं, दिल में सख्ती महसूस हो रही है, तंगी महसूस हो रही है, मुश्किल महसूस हो रही है, उसमें अच्छी फीलिंग, दिल में नरमी लाना चाहते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मिस्कीन को खाना खिलाओ, फतेमिल मिस्कीन, और यतीम के सर पे हाथ फिराओ। जब सर पे हाथ फिराते हैं बच्चों के तो उनको बहुत अच्छा लगता है, हाँ मतलब एक शफ़क़त करो, एक नरमी करो यतीमों के साथ। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, बहुत मशहूर, कि ज़मीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, आसमान वाला हम पर रहम करेगा अगर हम ज़मीन वालों पर रहम करें। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हम कह रहे हैं उस शख्स को जो परेशानी में है, मुश्किल में है, तंगी में है, डिफ़िकल्टी में है, हम कहते हैं कि ऐसे वक्त पर ख़ास कोशिश करो कि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद पूरी करो, किसी के लिए तकलीफ़ में आसानी का ज़रिया आप बनो, आप किसी पर रहम करो, किसी की मदद करो। अब कोई कहेगा अरे भाई क्या बात कर रहे हो, मैं खुद मदद की ज़रूरत है मुझे, मैं खुद परेशान हूँ और ऐसे वक्त पर मैं दूसरे की परेशानी दूर करूँ। तो हम कहते हैं हाँ, आप चाहते हो कि अल्लाह आप पर रहम करें तो आप किसी पर रहम करिए, आप किसी पर रहम करेंगे अल्लाह आप पे रहम करेगा। आप चाहते हैं कि अल्लाह की ख़ास मदद आए, आप किसी की मदद करिए अल्लाह आपकी मदद करेगा। सही मुस्लिम में हदीस है, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनी अखी, अल्लाह बंदे की मदद करता है तब तक जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। तो मतलब आदमी जब परेशानी में हो ऐसे वक्त पर तो ख़ास तौर से सोचना चाहिए कि मैं किसी की क्या मदद करूँ। कुछ नहीं तो जैसे लोग कहते हैं ना सदका दो, सदका देने से परेशानी टलती है, मुश्किल दूर होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ज़मीन वालों पर हम रहम करते हैं जब हम सदका देते हैं तो आसमान वाला हम पर रहम करेगा, अल्लाह ताला हम पर रहम करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनें, आज का ये पहला पॉइंट है कि जब मुश्किल और परेशानी हो तो ख़ास फोकस करिए, ख़ास कोशिश करिए कि किसी की मुश्किल का आप हल बने। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बु नासी इलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा लोग वो है, कौन लोग हैं सबसे पसंदीदा लोग, अहब्बु नासि इलल्लाह अनफ़हुम लिन्नास, जो लोगों में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल आमाल इलल्लाह, सबसे पसंदीदा आमाल अल्लाह के नज़दीक क्या है, सुरूरुन तुदखिलु अला मुस्लिम, किसी मुसलमान को खुश कर देना, और तक़दी अन्हु दैन, या उसके कर्ज़े को अदा देना, और तत्रुदु अन्हु जू, या उसकी भूख का इलाज करना। हाँ, तो किसी तरह से एक किसी की मदद करना, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मीन वालों पर रहम करो, ज़मीन वाले में सब शामिल है, ज़मीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैं आपको
इंशाल्लाह चंद सवालों के बाद किसी गैप में बताता हूँ। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातु। जी बहन, जी एक पहला है, मेरे भाई ने सबिया नाम है जी, नाम बताने की जरूरत है जी बहन, बताइए। हाँ, जो तो उनकी शादी मतलब हमने कराए, वो उम्र होते मतलब एज हो रही थी, शादी कराया, फिर हमने शादी करा दी, शादी कराया आपने कहा। हाँ, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि मैं तो सही, उन्होंने पहले बोले हाँ हेलो, हाँ तो बोले क्या बीवी है, पहले बोले जरा जाएगी तौर पे ये है वो, तो अरे एक लड़का है, माजरा चाहता हूँ, नहीं समझा लास्ट लाइन आपने क्या कहा, फिर से कहिए। मतलब वो शादी के टाइम पे उन्होंने बोले कि एक लड़का एक बच्चा है छोटा, एक बच्चा है और बीवी है, हाउस तो जा ही नहीं, परेशानी है, वो उनके अम्मी के यहाँ पर रहते, ऐसा बोले। ओके जी, हाँ फिर उसके बाद में शादी कर कर दिए ना भाईजान, तो फिर उन्होंने क्या, उनको तीन बच्चे, अच्छा दो बच्चे तो अभी तीन बच्चे पता चला जी। हाँ तो बोलते वो झूठ बोले उन्होंने, चलो फिर भी बहन बोलते नीचे में है, उससे उसको कोई ऐतराज नहीं है, दो बच्चे भी है, तो बोले ठीक है जान दो, पर वो दूसरा भी अफेयर है बाहर, वो जिनाकारी भी करते। अल्लाह मुस्तान। ओके हाँ जी, अब बहन को एक लड़की हो गई जी भाईजान, अभी फिर वो यहाँ पर आ गई इसी बीच में, और गलत इल्जाम भी उस पर कभी कभी लगाते ऐसा कुछ भी, और बहन मेरी माशाल्लाह इसके 27 साल की हो गई, तो भी उसने कभी कोई गलत काम नहीं, मेहनत करके हम हमारा हमारे पाकिस्तानी मतलब जो भी घर में भी ये है, अभी अब्बा का भी इंतकाल हो गया जी, ये ऐसी परेशानी, तो अभी क्या करना चाहिए आप बताओ, वो उससे बहुत परेशान है, अभी मैं क्या करूँ, बोले बेटी भी है एक, अल्लाह तो अल्लाह की देन है ठीक। जी बहन, मेरा सबसे पहले मशवरा ये है कि जो ये भाई हैं, उनके जो शोहर हैं, इनसे कोई दीनी एतबार से बात करें, इनको कोई समझाए दीनी एतबार से, और इनको कुछ नसीहत करना आप लोगों की तरफ से ऑफिशियल तौर पर कि हम बात कर रहे हैं फलां की तरफ से बात कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा ऐसा मामला आया, ऐसी शिकायत आई है, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो इसमें दो एंगल है, एक है दीन का नसीहत का एंगल, और एक है जिम्मेदार की हैसियत से कोई आपकी तरफ से बात करें। अगर आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है तो जो भी उनके वली है, जो आपकी बहन की तरफ से जो वली हैं, वो भी हाजिर रह सकते हैं उसमें, और कोई ये भाई से बात करें, हम कोशिश करें उनको समझाएं, उनसे कुछ बातें देखें, उनका एटीट्यूड देखें, उनका एटीट्यूड क्या है। कोई ऐसा होता है जो कबूल करता है, मानता है, इस्लाह की नीयत बताता है, उसको हो सकता है कि नसीहत से कोई नसीहत उसके दिल को छू जाए, तो ये एक किसी को बात करने की ज़रूरत है। क्या आपके पास कोई है जो इनसे बात कर सकते हैं? मतलब हमारे मामू है ना, जो किसे ये हमारे, तो उन्होंने भी बात करी, उनको बिठाए भी, तो बोले वो मतलब बीवी को बोलता कि छुट्टे छुट्टे छुटेंगे, ऐसे नहीं छुटेंगे, और कम से कम 8-10 साल से उनका ये ऐसे, फिर इनसे निकाह नहीं करना चाहिए, आपने इनसे ही निकाह कर लेना चाहिए। अच्छा, ये आपकी बहन के निकाह को कितना टाइम हो गया? अभी मतलब मेरे बहन को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो 3 साल ये शादी को हुए, इससे पहले एक और बीवी भी है और कोई और भी अफेयर की बात हो रही है ना? ठीक, तो कोई उनसे आपके यहाँ से आपके मामू ने बात किए हैं, है ना? जी, हमारे मामू ने बात की। हाँ, तो वो इकरार करते हैं या इनकार करते हैं, मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? इकरार करते हैं, मतलब है क्या, फिर मैंने पहले भी बोले, मैंने भी तुम धोखा तो नहीं देंगे ना, अल्लाह जाने क्या, पर बोले नहीं नहीं, बोले नहीं नहीं, और मंगनी करने के लिए आए और शादी कर जबरदस्ती शादी में नहीं कर लो कर लो, अभी अम्मी की अब्बा की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, तो अभी ऐसा लगा नहीं किया तो कर लिए, फिर भी मेरी बहन ने एक्सेप्ट करी, मतलब वो बोलती जायज है, जो नीचे वाली उसको तुम पैसे दो कुछ भी करो, मैं अल्लाह की तरफ से वो नीचे के लिए जायज, उसके उनके बेटे है जो पहला बेटा, उसका भी सब वो ये करती थी, वो उसको दवाखाने में भी लेके जब बनते वो बेटा इनके पास था, ठीक है, और जो दूसरी है जो वो पहली जो शादी शुदा है ना भाई, वो कुछ परेशानी नहीं, जो दूसरी है ना ये जो ये बहुत उसको परेशानी जिसका अफेयर हो, और ये उनका साथ देती। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले तो भाई से बात करना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे टीवी से कोई बात करें उनसे, उनको समझाएं, तो हमारे यहाँ जो शेख हैं उनमें से कोई बात कर सकते हैं उनसे इंशाल्लाह, और हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, हिदायत देने वाला अल्लाह है, कोशिश हम कर सकते हैं। तो आप ये करिएगा कि ये नंबर पर उनका कॉन्टैक्ट दीजिए, तो हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह उनसे बात करके उनको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर वन। दूसरी चीज इस बारे में, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, पहली चीज है उनको इस्लाह की नियत, इस्लाह की कोशिश की जाए कि उनकी इस्लाह हो जाए, वो समझ जाए, एक्सेप्ट कर लें, सुधार लें।
छोड़ने भी नहीं बोलती, ऐसा कुछ ये भी नहीं करती, वो तो मतलब फैमिली लेके चलने आ रहे, पर वो सही तरीके से नहीं रहते ना, बच्ची को भी वो पूरा टाइम नहीं देते जो पेरेंट्स को, जो बाप को देना चाहिए, जी है कि नहीं जी। वो दूसरे बच्चे जो उनके जो दूसरे बच्चे वो और उसके जो बच्चे भी होते सब जी। उनका खर्चा वो सब पूरा ये करते हैं। कौन करते हैं? और मेरी बहन अभी 9 महीने से यहाँ पर है, बीमार थी तो पूरा खर्चा भी अम्मी ने ही करा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी बहन यहाँ पे ही आपके पास है अभी? ओके हाँ, अभी 9 महीने से यहीं पर है। ठीक है, तो पहली चीज है उनसे बात करना। सेकेंड चीज, अगर वो अगर मान लीजिए जो आप बता रहे हैं कि नाजायज़ ताल्लुकात हैं उनके किसी से, तो अगर वो उनसे शादी कर लें और उसको ऑफिशियल बना दें, लीगल बना दें, मतलब वो शरीयत के दायरे में अगर आना चाहते हैं, दीन पे वापस आना चाहते हैं, उनको दावत दी जाए कि वो गलत ज़िंदगी छोड़ दें, दीन पर आएँ। क्योंकि हम लोग सोचते हैं, सब तरफ सोचते हैं, सब सबके साथ बारे में सोचते हैं कि कोशिश करें कि भाई हर कोई दोनों साइड वाले दीन के करीब आए, दीन पर आएँ, और यही चीज़ में कामयाबी हम सब के लिए है। तो उनसे बात की जाती है, इंशाल्लाह देखते हैं। लेकिन आखिर में मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर सारी कोशिशों के बावजूद कोई अगर गलत ज़िंदगी नहीं छोड़ना चाहता है, तो अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह नूर में फरमाया कि पाक औरतें पाक मर्दों के लिए है, पाक मर्द पाक औरतों के लिए है, और खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए, और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए। तो नेक मोमिना ईमान वाली पाक दामन औरत के लिए नहीं मुनासिब है कि उसका हस्बैंड अगर ये गलत तरह के ताल्लुकात में है, गलत चीज़ों में है, और उसमें हठधर्मी कर रहा है, उसे छोड़ रहा नहीं है, वो रास्ते को नहीं छोड़ रहा है, तो नहीं मुनासिब है कि वो उसमें ऐसे रिश्ते में कंटिन्यू रहे। हाँ, लेकिन हम लोग उससे पहले के स्टेज क्या है कि उनकी इस्लाह करने की पूरी बहुत मजबूत कोशिश की जाए, स्ट्रॉन्ग कोशिश की जाए। अल्लाह ताला मदद करने वाला है, और उनको दीनी एतबार से, दुनियावी दोनों एतबार से समझाना चाहिए। हाँ, समझाना चाहिए। बाकी मैं आपकी बहन से ये भी कहूँगा कि जो गया उसके बारे में अफसोस में ना पड़े, क्योंकि अल्लाह की तरफ से पहले से मुकर्रर था, और जो भी अल्लाह का फैसला होता है वो एक आजमाइश है दुनिया में, उस चीज़ में भी हमारे लिए खैर ही होता है। तो वो अल्लाह पर ईमान और सब्र के साथ आगे का वक्त गुजारे और पॉजिटिव रहें, और जो कुछ कुछ गुजर गया अल्लाह ताला हो सकता है उससे अच्छा कुछ आगे फ्यूचर में उन्हें देगा। हाँ, तो वो बेहतर रास्ता इंशाल्लाह हासिल करने की कोशिश करें और नेगेटिव ना रहे, मायूस ना हो जाए। मेरा एक दूसरा सवाल जी, हमारा भाई है मेरा छोटा, जी तो बहुत सारा कर्ज में परेशान है वो भाई मेरा। भाई परेशान? हाँ हाँ, क्या परेशानी उसे? बीच में भी कर्जा करे, कर्जे में परेशान है भाई उसका। हाँ? दूसरी बात ये कि उसकी वजह से गलत रास्ते पर भी चले गया हूँ, कर्जे की परेशानी से थोड़े से अल्कोहलिक ये हो गया। क्या गलत रास्ता? फीस की मतलब, हाँ 32 फीस जी, नहीं तो समझा मैं किसका में, मतलब ऐसे रोजे पूरे अच्छा, रखता भाई वो। हाँ, नमाज भी पढ़ने, हाँ दीन की तरफ से अभी तक ये नहीं हुआ वो। हाँ, पर मार्ग में क्या हो जाता एकदम से, ऐसे रोजाना नहीं करता वो। हाँ, पर एक आधे दिन में परेशानी से क्या करता ऐसा कर लेने, तो माशाल्लाह रोजे पूरे रमजान से रखता, नमाज भी पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी करता रमजान में भी, पर बता। हाँ, और फिर वो शादी करने का तो कुछ उसके वो कहता थोड़ा सा बाहर भी लोगों ने उसकी गलत ये फैला दी, उससे और ज्यादा वो ये हो जाता। हाँ, पर भाई ये मेरा मुझे मालूम है वो कैसा है, नहीं क्या? हाँ, तो कुछ शादी उसकी शादी कराने की, तो अब बोलो मैं तो ऐसा लगता हूँ उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाएगा भाई। अच्छा, बहन मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले उसका जो शराब आपने जिक्र किया ना, शराब का जिक्र किया ना बहन, क्या चीज जिक्र किया, क्या प्रॉब्लम? तो उसके अंदर क्या करिए बहन, सबसे पहले उनको भी दीनी एतबार से नसीहत और समझाने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया शराब के ताल्लुक से, लानत है 10 किस्म के लोगों पर शराब, जो शराब देता है, पीता है, पिलाता है, उसे ट्रांसपोर्टेशन करता है, सबके ऊपर लानत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुल खबाइस है, यानी सारी गंदगियों की बुराइयों की ये माँ है। हाँ, और जो दुनिया में पिएगा और तौबा किए बगैर अगर मर गया तो उसे आखिरत में जन्नत में, जो जन्नत की जो 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 जन्नत का जो शराब है, जो जिससे नशा नहीं होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, तो वो नहीं मिलेगा। तो हम उसे वो चीज़ें उसे दीनी एतबार से समझाएं, सबसे पहले एतबार बात। दूसरी चीज़ बहन, अगर उसके अंदर भी अल्लाह की मदद से ये ईमान की वजह से ये मजबूती है और वो चाहता है कि नहीं मैं हर ज़िंदगी में कभी ना जाऊँ, देखिए तौबा क्या है ना, उसे तौबा करना है। तौबा ये है कि एक इंसान इरादा करे वलम युसिरु अला मा फ़अलु वहुम यालमून, जानते हुए उस चीज़ की तरफ वापस ना जाए।
तो इसके ट्रीटमेंट की दवा वगैरह भी आती है बहन, जिससे कि वो दवा अगर आप लोग खाने वगैरह में डाल के देंगे तो उसको उससे ही नफरत हो जाएगी। नफरत हो जाएगी इससे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने छोड़ा भी है, लेकिन वो दवा वगैरह से पहले चीज साथ में ये है कि जहनी तौर पर काउंसलिंग करना, समझाना, उसके अंदर एहसास आए कि ये गलत है, बुरा है। हाँ जी, बाकी जहां तक कर्जे का सवाल है, तो कर्जे के अंदर एक इंसान को क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, मैं आपको ये बताता हूँ। जो प्रॉब्लम है वो एक अपने सामने रखे कि ये इतना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसा लगता है ना बहुत बड़ा है, सर के ऊपर है, लेकिन हकीकत में वो एक महदूद तौर पे उसे देखना चाहिए, इतना है। और फिर उसका सल्यूशन क्या है, इलाज क्या है कि भाई उनका जो प्रॉब्लम है वो कर्जे में है, आज वो कर्जे से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसका एक प्लान है, उसके स्टेप्स हैं। हाँ स्टेप्स हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि वो अपने आप को ये इस तरह से सोचें कि अल्लाह की मर्जी और मदद से वो कर्जे से बाहर निकल गए, कर्जा अदा हो गया, और वो कर्जे अदा होने का वो एक इरादा करें, इरादा करें कि ये कर्जा मेरा अदा हो जाए और उसकी मैं सारे स्टेप्स लेने तैयार हूँ अल्लाह की मर्जी से, यानी ऊंट को बांधने तैयार हूँ और भरोसा अल्लाह पे भी करने तैयार हूँ। वो बस 2 साल से 1 लाख रुपए का ब्याज ही भर रहा हूँ, बोलो ब्याज भर रहा है। तो वो भी ऐसा ना कि अपने दिन में ठीक है मैं छोड़ दो भाई, तुमने इतना तो भर दिए थे, उससे डबल ले लिए वे 2 साल में 1 लाख रुपए से, कितना सारा डबल चल गया, 2 से ज्यादा जाए। ठीक है, तो वो ब्याज के उसमें फंसा हुआ है ना। ठीक है, तो इसमें उसे बताना है कि भाई ब्याज में पैसे लेना देना दोनों मना है, हराम है ना, और सूद देना भी हराम है, लेना भी हराम है, दोनों मना है, वो भी एक लानत होती है। तो मैं क्या कहता हूँ, इनकी मदद की जानी चाहिए, ये भाई की, ये बताइए क्या वो जितना कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसमें से वो कर्जा अदा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, है ना? कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे नहीं। जो कमाई से तो नहीं और वो ऑटो भी मतलब इसकी है, सिल्लक की जो रोज पैसे देते हैं भाड़े की, वो तो 200 रुपए रोज वही निकल जाता है। अब वो टाइम से बहुत उन्हें आज इस महीने में रमजान में किसी की मदद आप लोगों को लेकर उनका कर्जा अदा कर देना चाहिए, उनको ये सूद के बोझ से बचा लेना चाहिए। सूद की लानत जो होती है, किसी से भले ही जकात लेकर भी, जकात लेकर इनको ना दें, डायरेक्ट वो कर्जा अदा हो जाए, क्योंकि जकात की जो 8 कैटेगरी दी है उसके अंदर दैन, जो कर्जे के बोझ में दबे हुए जो लोग हैं वो भी उनमें से एक हैं। यानी जिनके पास जरूरत जितने पैसे हैं, खाने पीने खर्चे जितने पैसे हैं, लेकिन कर्जा अदा करने के पैसे नहीं हो रहे हैं, तो उनको ये सूद की लानत से बचा के निकालना ये बहुत जरूरी चीज है। बल्कि मैं कहूंगा कि आपके जो ताल्लुकात वाले हैं उनमें, या जो जिन लोगों को आप जानते हो, तो किसी से जकात की रकम भी लेकर के इनका ये अदा कर दें, और जकात अगर ना मिले तो कम से कम कहीं से कोई कर्ज हसना मिले, ऐसा कर्ज मिले जो बगैर सूदी कर्ज हो, और वो लेकर ये सूद वाली चीज से तो सबसे पहले निकलना जरूरी है। जहां तक आपका सवाल था कि शादी कराने के ताल्लुक से, तो बहन इसके अंदर आपको जिससे भी शादी कराए उसको क्लियरली बताना पड़ेगा, आप छुपा नहीं सकते हैं कि ये कभी कभी पीते हैं वगैरह, जो बताएंगे ना तो आप जानते हैं कि उसके अंदर एक मुश्किल होगी। हाँ एक मुश्किल होगी, और लेकिन जो भी है किसी को भी धोखा नहीं देना है उसमें, मतलब क्लियरली बता के करना है कि इस तरह से ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम कर जानकर शादी कराओ मैं सब छोड़ दूंगा, बोले मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उनको कहिए ये शादी कराओ छोड़ दूंगा की जगह उनको बोलो कि तुम छोड़ दो तुम्हारी शादी कराएंगे, छोड़ दो 6 महीने इस तरह से गुजारो तुम्हारी शादी कराएंगे। इस एतबार से मैं कह रहा हूँ कि वो आने वाली जो है ना आपको एक नेक मिले, सौले मिले, जो मतलब जो खुद ये उसके लिए आगे का जरिया बने, अच्छा अच्छे जरिया बने इंशाल्लाह, तो ऐसी बीवी पाने के लिए उसको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी ना इंशाल्लाह। और हाँ, और आप छुपा के नहीं दे सकते हैं, आपको वो जो भी बताना है बता के अपफ्रंट बताना है कि ये फला इसके इनके अंदर ये प्रॉब्लम है। अभी मैं इसका दवाई से इलाज कर रहा हूं पहले इसका इंशाल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करके, आप बोले दुआ से हर चीज मिलती इंशाल्लाह, मेरे भाई की भी दुआ करूंगी। दुआ करें अल्लाह ताला आपके भाई को आज के लिए आसानी करे, आपकी बहन के लिए भी आसानी करे, और आपके भाई को इस मुश्किल से बचाए, कर्जे के बोझ से भी बचा दे, और ये जो बुरी एक आदत आ गई है अल्लाह ताला उन्हें भी उससे भी उन्हें हिदायत दे दे इस चीज़ पे ले आए। आप अपने भाई को और वहाँ के दामाद को आप ज़रूर कहिए कि वो हमारे यहाँ पर बात करें, हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह दोनों से पर्सनल तौर पर अल्लाह उसके लिए रास्ता खुलेगा। आप भी बहुत दुआ करिए, उनको भी उभारिए, और लोग क्या है ना झिड़क देते हैं, समझते हैं कि कोई
कोई मामला नहीं है, लेकिन हमें यकीन है अल्लाह अल्लाह ताला जैसे हिदायत दे तो उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो आप उनके लिए ख़ास कोशिश करिए कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे और दीनी प्रोग्राम से जोड़िए, दीन दीन से लाइए, करीब लाइए, इस्लामी दीनी दुरूस लेक्चर सुने वो, हाँ दीन की तालीम हासिल करें, नमाज और कुरान भी पढ़िए, कुरान पढ़िए, घर में सुनाइए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है। आप लोग सब कोशिश करिए, अल्लाह ताला से दुआ भी बहुत करिए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके ख़ानदान में खैर और बरकत का मामला करें, नेकी और भलाई का मामला करते हैं, आमीन। अगला सवाल अगर रेडी ना हो तो हम आप लोग दिए हुए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके अगला सवाल ले लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी भाई आपकी आवाज कम आ रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जरा वॉल्यूम इंक्रीज करें। हां जी मुझे सवाल कर सवाल नहीं है, मेरा जहनी परेशानी मसला है सर। परेशानी है जैसे कई साल से, जैसे कई साल हो गए अभी तक वो काम हम छोड़ना चाह रहे हैं, मैं छोड़ना चाह रहा हूँ मगर छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे मैं हम शॉर्ट में बोलेंगे तो आप समझ जाएगा, तो जैसे पोर्नोग्राफी टाइप का फिल्म होता है, फिल्म वो भी होती है ना जी जी, तो जैसे हम कोशिश करते हैं फिल्म जैसे गंदी टाइप फिल्म होती है देख लेते हैं और तो वो छोड़ना चाहते हैं आप? छोड़ना चाहता हूँ हाँ, हाँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ। कुरान भी पढ़ता हूँ हाँ, अल्लाह की इबादत भी करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें असालो का हुदा हो और मुझे हिदायत दे जी। बहुत सी दुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ मैं करना चाहता हूँ कि मुझे हिदायत दे, पर फिर भी कुछ दिन तक ठीक रहता है, फिर रात में अचानक फिर दिमाग होता है मूवी देख लूँ, उसके बाद फिर मैं उठ के फिल्म देख लेता हूँ, आज रमजान भी मैं उठ के जैसे ऐसे ऐसे फिल्म में देख लेता हूँ, तो मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक कि अपने हाथ को काट कर जी। हाथ को काट कर खून से लिखता हूँ कि अल्लाह मैं फिल्म नहीं देखूंगा, अगर मैं ऐसे फिल्म देखूंगा तो मेरे लिए फलाना काम नहीं हो जी। हाँ खून से काट के लिखता हूँ, कसम भी खाता अल्लाह की कसम भी खाता, हालांकि मैंने रोजा भी रखा था आपसे मैं फिल्म नहीं देखूंगा, फिर भी रोजा रखते फिर उल्लंघन हो जाता। रोजा जैसे मान लिया नफिल रोजा, जैसे एक पिछले महीना पहले दो महीना पहले की बात है, हमने रोजा भी रखा था कि मैं आइंदा ऐसे फिल्म नहीं देखूंगा, तो मैं कुछ दिन तक नहीं देखा, उसका फिर शैतानी का पता आया। आपके लिए बेहतर रास्ता निकाले जी, मैं प्रॉब्लम समझ गया भाई। हाँ देखिए मैं आपको कुछ स्टेप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले अच्छा अल्लाह अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह अल्लाह सही रास्ता देखने की, उसकी कोई ना कोई ट्रिगर होगा, मतलब कुछ ना कुछ चीज सिचुएशन, जैसे कोई हालत होती है, जैसे आप कभी अकेले हो या कभी ऐसे माइंड स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो, या कोई दोस्त पर्टिकुलर से मिलने दोस्त ऐसा हो, किसी से बातें ऐसी हो, कोई ना कोई ट्रिगर होगा जिससे कि ये चीज़ ट्रिगर होती है, आपको ट्रिगर क्या है मालूम करना होगा। और एक बार ट्रिगर मालूम पड़ा कि फला चीज़ से ट्रिगर होती है, तो पहली कोशिश ये करिए कि ट्रिगर को ही ख़त्म कर दीजिए। पहली चीज़ कोशिश क्या करिए, ट्रिगर को ही ख़त्म करिए। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता चलता है कि मैं इंटरनेट पे अकेले में जाता हूँ, रात का वक्त होता है, ऐसा होता है, तो आपको पता है कि अब ये मेरा ट्रिगर है, मैं ये नहीं करूँगा। आपको एक बार ट्रिगर क्या है मालूम पड़े तो वो ट्रिगर को ख़त्म करना सबसे पहली चीज़ है। या मान लीजिए कि कभी कभार कोई ट्रिगर है, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो उसके अंदर उसको सब्स्टिट्यूट करना कि ये हो गया तो मैं ये करूँगा, जब ये चाहत पैदा होगी तो मैं ये करूँगा, तो ये क्या हो गया फर्स्ट स्टेप, यानी ट्रिगर को डील करना। हाँ इंशाल्लाह। सेकेंड चीज़ मेरे भाई, आपका निकाह हो गया? नहीं अभी। क्या उम्र है आपकी जी? क्या उम्र क्या है आपकी अभी? अभी उम्र है मेरी 24 साल। 24 साल, तो एक्चुअली आपका निकाह तो हो जाना चाहिए, तो कैसा मामला है, क्या हाल है, क्या क्या क्यों आप निकाह नहीं कर रहे हैं अभी? कुछ है ना, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे मम्मी कहती है कि अम्मी कहती है कि अभी तैयारी करो, जैसे मैंने और आसपास बगल में लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उन लोग अभी निकाह नहीं, उन लोग
जी हाँ उनका। ओके तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद लग रही है, कब तक निकाह हो जाएगा इंशाल्लाह? जी होना तो चाहिए, मगर अभी थोड़ा सा साल दो साल में फिर ये हो जाएगा ना, अपनी टेंशन आ जाएगी। ओके साल दो साल लगेंगे जी, 1 साल से 2 साल लगने की उम्मीद है कि और ज्यादा? हाँ 2-3 साल, 2 से 3 साल, हाँ 3 या 4 साल, यानी आप 24 साल के हैं, तब 28 साल तक उम्मीद होने की उम्मीद है। जी हाँ। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या आप कमा रहे हैं, कुछ जॉब वॉब कर रहे हैं साथ में, तैयारी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, कुछ जॉब वॉब कर रहे हैं? जी मैं अभी स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं आप, तो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं या कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं? नहीं, फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। ओके ठीक है, क्या आपकी फैमिली में मैं टेस्ट या टीवी वीडियो जैसे है देखा था कि पोर्नोग्राफी के जैसे जो होता है, हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। आप जो वीडियो मैंने देखा हूँ, तो मुझे अमल करता कुछ दिन तक तो ठीक रहता है, फिर वैसे फिर मैं आते जाते वही फिल्म देखी लेता जी। इंशाल्लाह मैं आपको सलूशन बता रहा हूँ, अल्लाह से उम्मीद है इसमें सलूशन होगा। भाई आपको कोई तरीका ऐसा निकालना है इसमें, या तो निकाह करिए, और आप जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके जो फादर हैं वो आपके एक्सपेंसेस आपके फादर संभाल रहे हैं, या आपके पास खुद की कुछ अर्निंग का सोर्स है? जी मेरे पापा संभालते हैं। हाँ ओके, तो क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ वो उनके अंदर, और मैं ये अगर कोई बात मेरी वहाँ तक पहुँच जाए किसी तरह से कोई बात, तो मैं ऐसे सारे फादर्स को इनक्रेज करूँगा जिनको अल्लाह ने इस्तेआत दी है, जिनके पास अल्लाह ताला ने ताकत और कुव्वत दी है, पैसे हैं, और अगर एक और बेटी, एक और जो बहू आ जाएगी और बेटे की शादी करा दें, हाँ मैं सारे ऐसे फादर से कह रहा हूँ, अगर वो अपने बेटे की शादी करा दें और थोड़ा एक और खाने वाली आ जाएगी, कितना खा लेगी, मतलब एक और खाने वाली आ जाएगी जो उसका ऊपर खर्चा होगा, अगर वो कर सकते हैं, अल्लाह ने उसको इस्तेआत दी है तो करा देना चाहिए, लेकिन बच्चे की, लड़कों की शादियाँ, लड़कियों की शादियाँ जल्दी कर देना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया, इस्लामिक सिस्टम यही है एक्चुअली सबसे बेस्ट सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, आपके पास खुद एक ऐसी चीज़ होगी, घर में आपके पास आपकी वाइफ होगी, तो आप अपने लिए आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब आपके जहन में कभी कुछ आया तो आप अपनी बीवी के पास जा सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपके लिए एक वो रास्ता रखा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, सपोज़ आप पहले क्या करिए, अपने फादर से बात करिए और फादर के सामने पुट अप करिए बात को कि क्या कोई ऐसी गुंजाइश है। और आपको पता है मेरे भाई, हकीकत में ना वेस्ट में भी कॉमन बात है, लोग मैरिज के बाद भी, हाँ मैरिज के बाद भी लोग अपने एकेडमिक पर करियर्स को परस्यू करते हैं, यहाँ तक कि ओल्ड एज में जाके भी लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए मिलते हैं, ओल्ड कोई पर्सन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, हमारे इंडिया में ऐसा माहौल नहीं है, सिर्फ यंगस्टर्स दिखेंगे। लेकिन सही बात तो ये है कि मैरिज करने के बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि पढ़ाई नहीं होती उस टाइम पर, बल्कि उल्टा और अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होता है इंशाल्लाह। जिम्मेदारियाँ भले ही आएगी लेकिन कॉन्सेंट्रेशन और फार इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये सारे जो टाइम वेस्टेजेस होते हैं ये सब जिंदगी में नहीं होंगे ना इंशाल्लाह, अच्छी चीज़ उसकी जगह पर आ जाएगी। तो पहले सेकेंड सजेशन मेरा ये है। तीसरी चीज़ ये है मेरे भाई कि आपको अपने आप को टोटल बिजी करना है, बिजी करना है। अब आप पढ़ाई में बिजी जो हैं उसके अलावा दीन इस्लामिक स्टडीज़ में बिजी करना और दीन का इल्म हासिल करना, दीन की दावत, ये चीज़ से जुड़िए, क्योंकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है इसमें, और कुरान के अंदर खुद एक वादा है, अल्लाह ताला फरमाया कुलू कौलन सदीदा, सीधी सीधी बात कह दो, और सीधी सीधी बात में सबसे सीधी और सही और सच्ची बात इस्लाम की बात है, यानी कि दीन की दावत भी लोगों तक पहुँचाओ, ये भी उसमें शामिल है। युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह करेगा, तुम्हारे आमाल की इस्लाह करेगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। तो मैंने ऐसे कई लोगों के केसेस देखे हैं और सबने देखा है बल्कि, कि ऐसे लोग जो दीन के अंदर इस्तेकामत नहीं थी, दीन के अंदर कभी अंदर कभी बाहर, कभी थोड़े जमे हुए, कभी कभी ढीले, कभी आउट कभी इन, लेकिन जब वो दीन की दावत से जुड़ गए ऐसे लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको और इस्तेकामत दीन में जमा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक चीज़ है जो बहुत से लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि लाइफ का एक थोड़ा टाइम इस्लामिक स्टडीज़ और दीन की दावत के लिए लगाओ अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ का एक थोड़ा टाइम, हाँ जितना आप पढ़ाई के साथ निकाल सकते हो उतना तो निकालो इंशाल्लाह, करेंगे आप इंशाल्लाह। दीन का इल्म हासिल करना, इस्लामिक कोर्सेज करिए, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर्स, थोड़ा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, सीरियस स्टडीज, कोई आयत याद करिए, कोई हदीस याद करिए, कोई एग्जाम दीजिए, ऑनलाइन सर्टिफिकेट लीजिए, मतलब सीरियस स्टडीज करिए इंशाल्लाह, और दीन की दावत लोगों को पहुँचाने में थोड़ा जुड़िए, और इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है लाइफ में। हाँ तो ये हो गई तीसरी चीज़। चौथी चीज़ इस बारे में ये है मेरे भाई कि आपको इसके सारे जो बैड इफ़ेक्ट्स जितने हैं, कि भाई आपको दीनी एतबार से जो बैड इफ़ेक्ट्स है वो सब पता होना चाहिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, 3 आँखें हैं, हाँ जहन्नम की आग में नहीं जलेगी, 3 आँखें हैं, उनमें से एक है ऐनुन गद्दतन महारिमिल्ला,
वो आंखें जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को सामने आने के बाद आंखें जो नीची हो जाती है, जो आंखें नीची हो जाती है ना, कोई हराम चीज़ सामने आ गई, अब ब्राउजिंग कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई ऐड आ जाती है जिससे कोई तरफ ये है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई ऐसे ट्रिगर को पहचानें कि कौन सी चीज़ है, तो वो चीज़ से ट्रिगर से भी बचेंगे कि जो चीज़ ट्रिगर करती है उससे भी बचेंगे। लेकिन अगर आ गई तो भी हमें समझना है कि उसके जो सवाब है उससे बचने का, कि हराम करदा चीज़ सामने आ गई ऐनुन गद्दतन महरमिल्ला, तो ऐसी आंखें जहन्नम की आग में नहीं जलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया आग नहीं जलेगी यानी कि इंसान भी नहीं जलेगा, हाँ यानी कि पूरा इंसान नहीं बच, पूरे इंसान बच जाएगा जहन्नम की आग से, वो आँखों की वजह से बचेगा, उसकी आँखों की वो आदत की वजह से वो बचेगा कि वो आँखें हराम करदा चीज़ें जब आ जाती थी सामने तो आँखें नीची हो जाती थी, ये उस उन आँखों की आदत थी, वो आदत की वजह से वो इंसान जहन्नम की आँख से बचेगा। सुभान अल्लाह, यानी कितनी बड़ी फजीलत है। जी रोजे से क्या होता है ना, सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है, रोजे से एक इंसान के दिल में तकवा पैदा होता है, लेकिन रोजे से ये नहीं है कि उसके अंदर जो नफ्स है, जो अंदर जो नफ्स है वो बुराई का हुक्म देना बंद कर देगा। जो नफ्स अगर बिगड़ा हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में आता है सूरह 12 आयत नंबर 53 सूरह यूसुफ में, इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिसू, नफ्स बुराई का हुक्म देता है, तो ऐसा नहीं कि नफ्स बुराई का हुक्म देना बंद कर देगा रोजे की हालत में, वो देना है, वो बिगड़ा हुआ है वो देगा, लेकिन हमारे अंदर तकवा बढ़ जाता है, हमारे अंदर परहेजगारी सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है, तो ये एक चीज़ होती है। उसी तरह शयातीन, सबके सब शयातीन कैद नहीं होते, मरदतुल जिन बड़े बड़े सरकश शयातीन कैद होते हैं, छोटे छोटे शयातीन बाकी होते हैं, वो हो सकता है कि कुछ वसवसा डालने का काम वगैरह भी करें और दूसरी तरफ भी बुलाएं, तो ऐसा नहीं कि आदमी जैसे जन्नत में पहुंच गया, वो तो जन्नत में ही होगा कि कोई एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होगा, वहाँ कोई वसवसे नहीं आएंगे दिल में, वहाँ तो सिर्फ इंसान नेक और अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, आगे कामयाबी पाएगा। लेकिन मैं आपको उभारूंगा इस बारे में और भी इस्लामिक लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह, आप देखिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपके दिल को और मजबूत कर दे, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बहु, अल्लाह उनके दिल को मजबूत कर दे। जी रोजा नमाज जी बोलिए, फिर अपने भी हिदायत करता हूँ कि मुझे इस सब चीज से दूर कर दे, और मैं ये फिल्में जो बाकी फिल्में होती है इस सबसे दूर रहूँ और अल्लाह के राह में रहूँ और अपना जो पढ़ाई करता रहूँ। हालांकि मैं नमाज में रहता हूँ तो ये सब दिमाग में बातें आती रहती है। जी 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 हाँ, तो देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात ये बता रहा हूँ कि दुआ का मतलब क्या है, क्या दुआ का मतलब ये है कि बस मांगे मिल गया, नहीं, दुआ हम भीख मांग रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला रहमत वाला रब है हमारा, वो जानता है, तो मांगने में एक और दिल से मांगे, जी सुनिए, एक और दिल से मांगे, बार बार मांगे, और मांगने के बाद हमें भी कुछ करना होगा, हमें अपनी तरफ से भी उसके अंदर करना होगा। हाँ, तो ये कुछ चंद बातें अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह बहुत मदद करें आपकी, और ये दुआ भी कसरत से पढ़िए, अल्लाह माती नफसी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीहा व मौलाहा, ये और दूसरी जो दुआएं हैं वो भी दुआएं कर पड़े इंशाल्लाह। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं, जज़ाकअल्लाह खैर, अगला सवाल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख से सवाल है। जी जी भाई, आपके पीछे से कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। हेलो जी, वालेकुम सलाम, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी जी हाँ जी, शेख से बात कर रहा हूँ। जी मैं बात कर रहा हूँ, बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम शेख, सवाल ये था। हाँ पीछे टीवी म्यूट करें प्लीज, पीछे टीवी या मोबाइल जो भी है ना, निकालने के लिए है ना। हाँ पीछे की तरफ, आपके पीछे जो टीवी की आवाज आ रही है वो थोड़ा सा म्यूट करें। जी घरों का ज़कात वगैरह कैसा निकालना? नहीं, हमारे ये प्रोग्राम का मौजू है ज़हनी परेशानियों का इलाज, उस ताल्लुक से अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं।
जज़ाकल्लाह खैर। आप बाकी ये सवाल जो है हमारे कॉल सेंटर में 9588888826 पर पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। जी हम अगला सवाल लेंगे। जी एक सवाल ये है कि ट्रिगर अगर अकेलापन हो तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं। वालिम साहब एक मिनट, हाँ अगर अकेलापन ट्रिगर है, कभी अकेलेपन से कोई चीज़ ट्रिगर हो रही है तो अकेलेपन से ज़्यादा बचें, ज़्यादा से ज़्यादा बचें, लोगों के साथ रहें, किसी के साथ रहें अल्हम्दुलिल्लाह वो अकेलेपन से बचें। और इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अकेले कहीं सोने से मना भी किया, एक हदीस इस तरह से भी मिलती है, सही अलजामे में हदीस मौजूद है, तो इसके अंदर कई हिकमतें भी हैं। तो मतलब ये है कि लोगों के साथ रहें ताकि वो अकेलेपन से जो जहन में वसवसे और ख्याल आते हैं उससे इंसान बच सकता है। और अगर कभी ऐसा हो गया अकेले हैं तो कोई इस्लामिक वीडियो चला दिए, कोई इस्लामिक लेक्चर चला दिए और अपने आप को फुल्ली उसमें मशगूल रखें। जी यस भाई आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जो सवाल वेटिंग पे था अभी वो सवाल अभी हम ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन जी बोल रहा हूँ। जी जी मेरा एक लड़का है 11 साल का है। हाँ हाँ जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे से दीन की खिदमत करने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि मैं अपने अम्मी के घर में रहती हूँ, शादी हुई जब से शादी के घर में आप रहते हैं और क्या कहा आपने? मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकती, मेरे शोहर लेके भी नहीं जा सकते, कहीं दूसरी जगह रख भी नहीं सकते। हाँ हाँ। और मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे अच्छा स्कूल भी नहीं है। ओके ना बच्चों को तैयारी भी पढ़ाने वाले हैं, बाजू फिर मजबूर है लेकिन पढ़ाने वाले भी नहीं है बराबर। जी मेरा बच्चा 11 साल का हो गया, उसको अभी तक कुछ भी बराबर आता नहीं, सिर्फ नमाज नॉर्मल ऐसी आ जाती। जी मैं कई लोगों से हेल्प मांगी, मेरे रिश्तेदार सब पैसे वाले हैं, मैं अच्छे से मैं मेरे बच्चे को पढ़ना चाह रही लेकिन मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है। जी पैसे लगाने भी नहीं जा सकती मेरे बच्चे को। जी अब मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह इतना इंटेलिजेंट अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। जी जी हाँ बताइए, लास्ट लाइन फिर से दोहराइए आखिरी बात जो आपने कहा। जी जी मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है कि कोई भी चीज जरूरी है दोनों अच्छे से याद कर ले, जो बहुत इंटेलिजेंट है उसमें भी उनकी तारीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मेरे बच्चे को मैं मेरा बच्चा दीन की खिदमत करने वाला बनना, और जब मैं दूसरे स्कूलों के बच्चों की तकरीर करे से सुनती हूँ मेरा दिल तड़पता है सर जी, कि मेरा बच्चा अल्लाह ने बच्चे को मेरे से तालीम कैसे दे सकूंगी, कि मेरे शोहर की भी हालत अच्छी नहीं है, उनको और एक बीवी है, माँ की जिम्मेदारी है। हाँ हाँ। तो उन्होंने यहाँ से लेके भी नहीं जा सकते बोल रहे, मैं कहीं दूसरी जगह भी नहीं रखता, दूसरे स्कूल में भी नहीं जा सकता। हाँ। मेरी फीस भरने की कैफियत है, वहाँ पे भी मेरे बच्चे है देखना पड़ता, टीवी देखिए मैं मेरे बच्चे छोटे से स्कूल में डाल उठे तो उसमें पूरा दिन का पढ़ाते ट्रेन में, बच्चे आज भी वही याद करके वो भेजना जाते मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं इतनी दिन नमाज पढ़ती हूँ रोजे रहती हूँ, मेरे बच्चे को मैं ऐसे स्कूल में डालना पड़ा मेरे को मजबूरी है। अच्छा। मैं यहाँ पे हैदराबाद में इमरान के पास भी गई थी हेल्प लेने के लिए, उन्होंने कुछ भी मशवरा नहीं दिया, कुछ भी बहुत बोलते हैं, और यहाँ पे हैदराबाद में हमारे केसीआर के स्कूल है ना। हाँ। जो फ्री है उसमें मैं मालूम करी तो उसमें मालूम है, तो मैं हर तरीके से मैं चौ तरफ से कोशिश करती हूँ, हार के कामज बैठ गई, बस मेरा बच्चा 11 साल का है अभी, चार साल गए तो बस बच्चे को बच्चा बालिग हो जाता है, अंदर से वो मेरे बच्चे पढ़ा नहीं सक रहे, मैं खुद भी दीन की खिदमत करने की। बारकल्लाह फी बहन, अल्लाह आपकी नियत के लिए आपको बेहतरीन बदला दे, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला दे आपकी इस नियत के लिए और कोशिश के लिए। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहता हूँ। हाँ सबसे पहले देखिए
बहुत सारे करोड़पति लोग हैं, बहुत सारे मालदार लोग हैं जिनको ये तौफीक नहीं होती है कि वो अपने दीन के बच्चों के ताल्लुक से सोचें कि वो दीन का इल्म हासिल करें, दीन की खिदमत करें, ऐसी तौफीक नहीं होती है। जो आप फील कर रहे हैं ना, आपके पास ये नहीं है पर्टिकुलर, उतना माल नहीं है, तो आपको मैं बताऊँ, ये माल से नहीं होता है, हाँ ये आपकी इस नीयत से होता है, इखलास से होता है, कोशिश से होता है, अल्लाह की मदद से होता है। तो आपको ये बात जहन से निकाल देना है कि फ़लाँ मेरे पास चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, ये बात को निकाल दीजिए। क्यों मालूम है? क्योंकि वहाँ जब आप ये बोलेंगे ना, जब आपके जहन में आएगा ना, तो तभी आप वहाँ अपने आप को कमज़ोर कर देंगे, वहाँ आप फेल हो जाएंगे। हाँ बहन एक मिनट होल्ड करिए, ये टी वी पर लाइव नहीं आ रहा है। नहीं कन्फर्म्ड। हाँ एक मिनट, अभी लाइव है। ओके ठीक है बहन, तो फर्स्ट पॉइंट ये जहन से निकाल दीजिए आप। क्या चीज निकाल दीजिए जहन से? के आपके पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखिए कि आपके पास जो है उससे आप कैसे कर सकते हैं। आपका एक नेक नियत है आपकी कि आपके बच्चे को अल्लाह ताला ने नवाजा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार बच्चा है, आपके दिल में भी एक दीन की नियत है, दीन की खिदमत की नियत है। तो अभी आप अभी क्या कर सकते हैं? आपके पास सबसे बड़ी चीज़ तो है ऑलरेडी, जो आपकी नियत है, कोशिश है, अल्लाह ने आपको एक बच्चा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा है, बारकल्लाह फी, अल्लाह उसे बहुत नेक और सौले दीनदार और सलाहियतमंद बनाए और दीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद बनाए अल्लाह ताला, आमीन। तो अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, अब आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर सिचुएशन में, अब आप वो देखिए इंशाल्लाह। तो जैसे मिसाल के तौर पर आज ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोर्सेज हैं ऑनलाइन जो आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, जिससे दीन के बारे में वो सीख सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत के लिए तैयार हो सकता है। ये एक हो गया फर्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन वाला। एक ऑप्शन ये है कि आप ये कर सकते हैं कि उसको किसी आप इस्लामिक इंस्टीट्यूट में, मदरसे में भेजने के ताल्लुक से सोच सकते हैं कि क्या कोई गुंजाइश है, क्या कोई रास्ता है कि कोई अच्छा अच्छे मदरसा, ऑथेंटिक मदरसा जिसमें दीनी तालीम अच्छी मिले इंशाल्लाह। हाँ ऐसा कर रहे हैं, दो तीन केसेस आए बच्चों के तरफ से। हाँ हाँ क्या क्या केसेस आए हैं? ठीक है मदरसे हैं वो, मैं अब मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरे बच्चे को अपने पास ही रखना चाहते हैं ना, ये भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं आपको एक शेख को जानता हूँ, एक बहुत अच्छे बड़े शेख है, उन्होंने क्या किया है कि मदरसे का सिलेबस लिया है और वो कहते हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़वा रहे हैं वो मदरसे का सिलेबस, वो कह रहे हैं कि वो सेम आलमियत का सिलेबस पढ़ के जब वो तैयार हो जाएगा तो आखिरी एग्ज़ाम के लिए भेजेंगे, फलां फलां मदरसे में भेजेंगे। ऐसे ऐसे मदरसे हैं इंडिया में जहाँ पर आपका बच्चा जब सलाहियतमंद तैयार हो गया, सीख लिया, पढ़ लिया, जान लिया, एग्ज़ाम के लिए जाएगा, एग्ज़ाम देगा, इंशाल्लाह उसे आलमियत की डिग्री मिल सकती है। हाँ तो इंशाल्लाह मैंने आपको एक मशवरा दिया है कि एक ऑप्शन क्या था कि ऑनलाइन स्टडीज़ के कोर्सेज प्रोग्राम्स वगैरह हैं, आप मालूमात हासिल करिए, हमारे कॉल सेंटर पे भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, जो इनके इल्म में वो बताएंगे, लेकिन ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद हैं जो पढ़ के वो बच्चा आपका इंशाल्लाह तैयार हो सकता है। ये एक हो गया ऑप्शन। एक ऑप्शन क्या है, एक चीज़ क्या है कि आप मदरसे का सिलेबस लेकर वहाँ पे लोकल कोई आलिम हो, लोकल कोई ऑनलाइन जूम वगैरह पे पढ़ा सकता है, पढ़वा सकता है, और इस तरह से कोई चीज़ करके वो आलिमियत की तैयारी घर बैठ के करें, फिर जाके एग्ज़ाम दे, फाइनल में हर साल एग्ज़ाम दे दें या लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दें, ऐसा सिस्टम है मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो ये एक हो गया। और आप क्या करिए, उसे उसका वक्त जाने मत दीजिए, 11 साल का अभी वो, आप वो वक्त साल उसके ज़िंदगी के ज़ाय होने ना दें। कैसे हैं कि भाई साल तो निकले, एक बार निकल गए तो चीज़ तो हाथ से, मौका तो चला जाता है। आप एक टारगेट बनाइए कि इंशाल्लाह 16 साल का होगा तब तक यहाँ पहुँचना है, 18 साल का होगा यहाँ पहुँचना है। जैसे आपको पता है इमाम बुखारी के पीछे कौन थी, उनकी माँ थी, उनकी माँ की कोशिश थी, उनकी माँ की का ख्वाब था, माँ की ड्रीम था कि मेरा बेटा ये दीन की बड़ी खिदमत करे, और इमाम बुखारी ने दीन की बहुत बड़ी खिदमत की। लेकिन असल में आज लोग इमाम बुखारी की खिदमत को जानते हैं लेकिन उनकी माँ पर बहुत फोकस नहीं होता, लेकिन अल्लाह के रिकॉर्ड में तो, अल्लाह के ताला के हिसाब में तो पूरा दर्ज है कि उनकी माँ की क्या क्या खिदमत है। तो आप करिए, अल्लाह ताला रास्ते खोलने वाला है। और लेकिन एक बात से बिल्कुल बचिए, मायूसी ज़रा भी नेगेटिव चीज़ नहीं रखिएगा, हर चीज़ में पॉजिटिव आगे बढ़िए इंशाल्लाह। ये मत सोचिए मेरे पास ये नहीं है, मेरे ऐसे हालात में, मैं बिचारी कहीं नहीं आना चाहिए, आपकी बातों में मैं बिचारी कहीं नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम सब जो भी हालत से गुजर रहे हैं ना, वो अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह आपकी बहुत मदद करे, आपके बच्चे को दीन की खिदमत में अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन। जी
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी इंसान, मैं आपसे मोहम्मद खजान बोल रहा हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश शाहजहानपुर से। जी जी, हमारा सवाल ये है कि हमारी पढ़ाई जो चल रही है उसमें रुकावटें बहुत आ रही हैं। हर तरफ से बिल्कुल जो है सही होता है सर, हर चीज में रुकावट आ रही है। और ये बहुत वक्त ऐसा हो रहा है कि सब सारी सिचुएशन सही है, पता नहीं क्या हो। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट भाई, आप कंटिन्यू करिए। जी आप जो बोल रहे थे, हाँ, तो रुकावटें आ रही है पढ़ाई के अंदर, क्या रुकावटें आ रही है भाई? जी अब यही रुकावटें आ रही है कि अगर मेरा कहीं काम बनने वाला होता है वो काम बनता ही नहीं है। ओके, पढ़ाई के दौरान? जी जी, पढ़ाई के दौरान हमारा थोड़ा, पढ़ाई के दौरान थोड़ा दिमाग भी जो है, मतलब ये मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो इस वजह से थोड़ा दिमाग जो है सही से कंसंट्रेट भी नहीं हो पाता है। और दूसरी बात कि हमारा सब कुछ सही चलता रहता है, एकदम ऐसा होता है कि ये सब कुछ खराब हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा है, अचानक आखिरी टाइम पे ऐसा आता है कि सब बिगड़ जाता है। ओके ठीक है, देखिए भाई, रमजान भी चल रहा है, कुछ तस्बीह वगैरह बता दीजिए जिससे कि हम पढ़े और ये हमारे लिए आगे अच्छा रहे इंशाल्लाह। आपकी जो दो बातें आपने जिक्र की जो मैं समझा, हाँ हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में शिफा दिया है कि अच्छे पेशेंट आए तो अच्छे देख सके, अच्छा शिफा दिया है, दिमाग भी तेज हो, थोड़ा डर भी लगा रहता है कि डॉक्टरी लाइन डॉक्टर है तो फिर थोड़ा डर भी लगा रहता है कि थोड़ा सा हिम्मत भी बढ़े और फिर थोड़ा दिमाग भी तेज हो, तो उसके लिए भी बता दीजिए मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जहाँ पे आपने जो दो बातें बताई, एक तो जो रुकावटें बीच में आती है, हाँ मुश्किलें आती है। हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज सुनाई दे। और हेलो जी, अगर भाई को हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो मैं ये कहूँगा कि वो इसकी वीडियो क्लिप बाद में देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि सवाल वो मुकम्मल पूछ चुके हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल ये है कि जो बीच में काम में रुकावटें आ रही है, हमारे भाई को जब आवाज़ सुनाई दे जाए तो वो यस बोल सकते हैं बीच में, तो काम में जो करते करते रुकावटें आ रही है। और दूसरी चीज़ ये देख रहे हैं जी कि दिमाग और तेज़ कैसे हो जाए। हाँ, दिमाग और तेज़ कैसे हो जाए? तो देखिए, सबसे पहले मैं पहले प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ कि काम में रुकावटें, जैसे आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या कोई चीज़ आइडियल सर्कमस्टेंसेस जैसे जो होना चाहिए वैसे नहीं होता है, बल्कि कुछ एडवर्स कुछ मुश्किलें आ जाती है, है ना? ठीक है, देखिए मुश्किल जब आती है ना तो उसके अंदर दो चीज़ें होती है। एक होता है वो मुश्किल सॉल्व करने के अंदर जो कार्रवाई करनी पड़ती है, 1 2 3 4 5 कि ये मुश्किल आ गई है, इसको सॉल्व करने में ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है ना कि मुश्किल जब आती है ना तो एक ज़हनी तौर पर भी धक्का लगता है, अरे मुश्किल आ गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपके सामने बात ये रख रहा हूँ, आपको अपने आप को इस तरह से बनाना है कि जो मुश्किल आए उसको आप ज़हनी तौर पर टेंशन ना लें उसका, क्योंकि आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, आप सब इस बात को पर गौर करिए कि जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझने से, ज़हनी तौर पर बोझ उसका लेने से हो जाता है। मतलब उसका ज़हनी बोझ लेने से ना, जो रियल प्रॉब्लम से उतनी मुश्किल नहीं होती है जितना कि ज़हनी बोझ लेने से हो जाती है। अब मैं आपके सामने ये प्रपोज़ल रख रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम आता है वो ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो गया, वो प्लानिंग के तहत हुआ है। जो प्रॉब्लम आया है वो प्लानिंग के तहत हुआ है। क्या प्लानिंग आप बता सकते हैं? प्लान के तहत हुआ है। क्या प्लान? जी किसका प्लान? प्लानिंग के हिसाब से जैसे कि चल रही है प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ अ बिग प्लान, दिमाग के कारण निकल जाता है, राइट? जो याद किया वो सब निकल गया। नहीं, मैं आता हूँ उस पे, आता हूँ। एग्जाम टैबलेट बैठा है, एकदम दिमाग से फ्रेश हो गया, माइंड फ्रेश हो गया। ओके, तो मैं बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम ऐसे ही कुछ नहीं होता है, वो एक बड़े प्लान का हिस्सा है, वो अल्लाह के प्लान का हिस्सा है। अल्लाह ताला प्रॉब्लम्स भेजते हैं बंदों को आजमाने के लिए, और उसमें भी खैर होता है, उसमें भी खैर होता है। तो कोई भी चीज़ रैंडम नहीं होती, ये बात याद रखिए। अरे सडनली ये हो गया, सडनली कुछ नहीं हो रहा है, हर चीज़ रिटन है, जो चीज़ हो रही है रिटन है। तो उसके अंदर हम ये ना सोचें कि ऐसा क्यों हो गया, ये सोचें अब क्या करें, ये सोचें अब क्या करें। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? वो इन असाबक शयून, अगर कोई चीज़ हो जाए, फला तकुल लौ अन्नी फालतू काना कदा व कदा, ये मत कहना मैं वो करता तो ये नहीं होता। फ़ैन अल्लाह तफ्तहु अमल शैतान, क्योंकि अगर से शैतान का दरवाज़ा खुल जाता है, सही मुस्लिम की हदीस है। तो ये इस टाइप का जो अगर है ना कि अगर ये करता तो ये नहीं होता, वो चीज़ से बचना है, मतलब ज़हनी बोझ उसका नहीं लेना है।
जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचना है, लेकिन अपने आप को ऐसा बिल्ड करना है, अपने आप को ऐसा बिल्ड करना है, ऐसे ट्यून करना है, ऐसे अपनी सोच बनानी है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा ये प्रॉब्लम क्यों आया, वो बहुत बुरा हो गया, प्रॉब्लम आ गया, इसका बोझ जहनी बोझ नहीं लेना है, ये सोचना है आया है प्रॉब्लम, अल्लाह की मर्जी, ओके इसका सोल्यूशन क्या है, 1 2 3 4 5 इसका ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन लेना है, उसका सोल्यूशन लेने पे फोकस करना है, क्या सोल्यूशन है, ये नहीं सोचना है कि अरे अगर वैसा करते तो ये नहीं होता, अरे ऐसा, ये लिखा हुआ था, ये आना ही था, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सवाल का जवाब। सेकंड सवाल ये मेरे भाई कि अपने आप को माइंड को शार्प कैसे बनाएं, तो मैं आपको बताऊं ये माइंड जो है ना इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारा हिडन पोटेंशियल रखा है। बाज़ लोग अक्सर लोग अपने माइंड का बहुत ही छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो अनटैप कैसे करें, जो माइंड का इतना बड़ा पोटेंशियल है उसको ओपन कैसे करें। उसको ओपन करने का तरीका है ना मेरे भाई, वो है मोटिवेशन और सोच। कैसे सोच, अब देखिए होता क्या है कि कोई चीज़ आपको करनी है, आप उसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं, अब आप चाहते हैं कि आपके माइंड के सारे हिडन पोटेंशियल ओपन हो जाए, पूरा माइंड का पोटेंशियल ओपन हो जाए और आप अपने माइंड को ऑप्टिमम लेवल पर और अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ तब होती है ना जब आप अपने आप को ये चीज़ में फोकस करें कि मुझे ये टॉपिक जानना क्यों ज़रूरी है, मैं ये टॉपिक स्टडी कर रहा हूँ ये क्यों इतना ज़रूरी है, ये बात जानने में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जितनी तलब उसके अंदर पैदा करेंगे कि मुझे ये जानना है, मुझे ये इल्म हासिल करना है, मुझे ये समझना है, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस, मुझे जानना है कि वॉट इज़ दिस, ये क्या है, क्या इससे क्या बेनिफिट्स है, इसका अच्छा इस्तेमाल क्या है, इसको इसका कंसेप्ट क्या है, मतलब जो भी टॉपिक है, अपने अंदर ये ऐसे सवालों से एक हंगर को ट्रिगर करना। देखिए आपका माइंड का पोटेंशियल ओपन होगा, अगर आप बोलेंगे माइंड ओपन हो ऐसे नहीं ओपन होता है, उसको कैसा होता है कि आपको उसका डिमांड क्रिएट करना है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक मजदूर जो वज़न उठाता है तो उसके उसके हाथों में एक वज़न है, वो सर पे सपोज एक बोझ लादा उठाया हुआ है, वो हाथों सर के ऊपर एक बहुत बड़ा वज़न अगर उठाया हुआ है तो उसके हाथों पे जो वज़न आ रहा है वो डिमांड कर रहा है उसके हाथों के मसल से कि वो मसल्स और स्ट्रॉन्ग बने कि वो इस तरह का वज़न और आसानी से उठा पाए। तो जो उठाता रहता है उस वज़न को, होते 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 वो वज़न उठाना उसके लिए आसान से आसान होता जाता है। क्यों? वो वज़न डिमांड कर रहा है उसके हाथों के मसल से कि मसल्स मजबूत बन के उन्हें सहारा दे वज़न उठाने में। अब उसी तरह अगर आपके माइंड के मसल्स को ओपन करना है तो आपको वो डिमांड क्रिएट करना होगा, और वो इंटरेस्ट के साथ, एक क्यूरियोसिटी के साथ कि मुझे ये जानना है। अब वो माइंड और ओपन अप होगा उसको समझने के लिए, उसको याद रखने के लिए, उसको उसको उसके अंदर अपने आप को अप्लाई करने में। देखिए ये सब चीज़ें ना कुरान के अंदर बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जब कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार जब फरमाया है अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं इस्तेमाल करोगे, अफला तुबसिरून, क्या तुम देखोगे नहीं, अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर नहीं करोगे, अलम तरा, क्या तुम ये नहीं देखते। तो जब ये कहा गया ये देखो ये सोचो तो माइंड ओपन अप हो रहा है उसमें। हाँ, तो मैं आपको यही एक बड़ी चीज़ बताऊँगा आपके माइंड के हिडन पोटेंशियल्स को ओपन अप करने में। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ भी अल्लाह से बहुत मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको उम्मत के लिए और लोगों के लिए, सारे इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद बनाए और आपको अपने फील्ड में बेस्ट बनाए। मतलब डोंट ट्राई टू बी एवरेज, आपको एवरेज का टारगेट नहीं रखना है, आपको टारगेट ये करना है बेस्ट। हाँ, इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनीन, जो एहसान करने वाले, जो बेस्ट करने करते हैं अल्लाह ताला उनको पसंद करता है। हाँ, तो ट्राई टू बी द बेस्ट इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको आपके मैदान का बेस्ट बनाए। आमीन, अल्लाह से दुआ है आमीन, और आपकी सारी मुश्किलों को दूर कर दे आमीन। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये हमारा आखिरी सवाल होगा, और ये आखिरी सवाल के बाद में मैं इंशाल्लाह आपको मेरा जो दूसरा टिप देना चाहता हूँ वो दूंगा इंशाल्लाह। तो जब तक आपका आखिरी सवाल आ रहा है तब तक मैं आपको वो टिप दे देता हूँ कि मेरे भाई मेरी बहनें, एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि मुश्किल जब आए तो क्या करना चाहिए, किसी की मुश्किल दूर करने के ताल्लुक से सोचना चाहिए, ज़मीन वालों पर रहम करने के ताल्लुक से सोचना चाहिए, अल्लाह हम पे रहम करेगा। बिल्कुल सही बात, लेकिन इस बारे में एक दूसरी बात, इस दूसरा टिप वो ये है कि जब मुश्किल हो तो ख़ास मदद मांगें अल्लाह से, और मदद का ज़रिया है नमाज। हम कई बार लोगों को देखते हैं कि भाई नमाज पढ़ने आओ, तो वो कहते हैं नहीं आजकल बहुत टेंशन है, नमाज़ नहीं पढ़ सकता मैं, पहले ख़त्म हो जाए फिर पढ़ूंगा। हालांकि सही बात तो ये है
कि नमाज प्रॉब्लम को दूर करने के ज़रियों में से है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 153 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र और सलाह के ज़रिए, सब्र के ज़रिए और सलाह के ज़रिए मदद हासिल करो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र के ज़रिए क्या करो, मदद हासिल करो, और सलाह के ज़रिए मदद हासिल करो। नमाज ज़रिया है मदद हासिल करने का, यानी अल्लाह की मदद चाहिए ना, हम चाहते हैं अल्लाह मेरी मुश्किल को दूर कर दे, तो हम अल्लाह की मदद मांग रहे हैं, तो ये मदद हासिल करने का ज़रिया है नमाज। नमाज क्या है, उसका ज़रिया है। हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, इदा हज़बहु अमरुन सल्ला, जब कोई चीज़ उन्हें परेशान करती तो वो नमाज पढ़ा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, और नमाज में क्या है, ज़रिया है मदद का। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबके सामने ये बात रख रहा हूँ, बात यह है कि जब भी परेशानी हो तो उसमें हम इबादतों से दूर ना जाए। उल्टा शैतान क्या कर रहा है, जो वक्त पर हमें और इबादत करनी चाहिए, जो वक्त पर हमें और अल्लाह की मदद हासिल करनी चाहिए, वो वक्त पर फ़र्ज़ नमाज़ों पर भी हमला करता है, एक इंसान को उनसे भी दूर करने की कोशिश करता है। तो अपने आप को इसी तरह से ज़हनी तौर पर हम सब ट्यून करें कि हर हाल में मुझे अल्लाह की इबादत करनी है, हर हाल में, चाहे खुशी हो गम हो, चाहे मुश्किल हो आसानी हो। और याद रखिए, मुश्किल के अंदर आसानी का ज़रिया है नमाज, यानी हम नमाज पढ़ेंगे तो मुश्किल दूर होने के चांसेस थोड़े और बढ़ जाते हैं, वो मुश्किल के ख़िलाफ़ हमें अल्लाह की मदद मिल जाती है, ज़रिया है नमाज। तो मेरे भाई मेरी बहनें, अपने आप को इसी तरह से हम रेडी करें कि कुछ भी हो जाए हम अल्लाह के बंदे हैं, कुछ भी हो जाए हम अल्लाह के सामने सर झुकाएँगे, कुछ भी हो जाए हम अल्लाह ताला की मदद मांगेंगे, और वो एक ज़रिया है हमारी, वो मुश्किल को दूर करने का ज़रिया है। तो ये एक दूसरी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब जो कुरान हदीस की बातें हैं, इसमें हम सब के लिए कई सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम दुनिया की ज़िंदगी जिएं और इस हाल में जिएं कि हम सुकून इत्मीनान के साथ निकल जाएं। परेशानी आएगी लेकिन परेशान नहीं करेगी, यानी परेशानी में भी परेशान ना हो, उसका क्या तरीका है, उसका तरीका यही है कि हम अल्लाह के दीन पर वापस आएँ, दीन पर, इस्लाम पर वापस आएँ, दीन की तालीमात में वापस आएँ। तो हमने देखा कि सलाह में मदद है, नमाज में मदद है। देखिए, नमाज में इनबिल्ट ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हमारी वो मुश्किल इंशाल्लाह दूर होगी। एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं आज का, सवाल कनेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, जी जी मैं वाला साहब से बात कर रही हूँ। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ, जी बताइए। जी मैं, तीन सवाल है मेरा। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलना होगा बहन आपको, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। जी जी, मेरा आवाज आ रही है, कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, माइक के करीब रखेंगे अपने मुँह को। हाँ जी, हाँ एग्जाम देने, तीन साल से बच्चा दिल्ली गया हुआ है। एक मिनट, थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करो, सॉरी। हाँ जी, हाँ बहन, तो बेटा जो है, आपका बच्चा जो है, थोड़ा पीछे से बताइए, आपका बच्चा एग्जाम देने गया है, फिर क्या हुआ? बहुत माजर चाहूंगा बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, आप फिर से बताइए। जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बहुत माजर चाहूंगा, मुझे नहीं समझ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बताइए। अभी तक आ नहीं पाया, तीन साल से दिल्ली गया है एग्जाम देने। जी हाँ, फिर बताइए। मेरा नाम है काबरा खातून, जी बिहार पटना से बोल रहे हैं। बहन आप ऐसा करें, एक दो लाइन बताइए, आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। भाई बेटा दिल्ली गया हुआ है तीन साल से, वापस नहीं आ पा रहा है, एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है, फिर क्या हुआ बहन? जी मैं बाहर आके बात कर रही हूँ। हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ, अगर हेलो जी बहन, आपकी आवाज आ रही है, बताइए।
اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے بہن، اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے، اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے. میں آپ کی پوری بات تو نہیں سمجھ پایا لیکن جی جی ٹھیک ہے بہن، مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آیا آپ بھی بیمار ہیں، یہ سمجھ میں آیا آپ بھی بیماری سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں کیونکہ ہمارا یہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو میں آپ کو صرف دو ایک منٹ دو آپ کو ایک دو بات بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس میں کچھ آسانی ملے. ہاں ہو سکتا ہے کوئی چیز میں کوئی مشکل میں آسانی ہو. بہن اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کریے، یہ رکھیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ بھی بیمار ہیں بچہ بھی دور ہے، ہاں یہ دو باتیں مجھے سمجھ میں آئی. ہاں جی تو نہیں، کیا پھر سے کہیے آپ، کیا کہا آپ نے پھر سے کہیے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات. اچھا تو بہن ایسا کریں آپ ہمارے کال سینٹر والے نمبر پہ کال کریں، وہاں پہ وہ نمبر پہ آپ کو ہم بتاتے ہیں، اور کیونکہ یہاں پہ کئی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی نا تو ہی میں کچھ بتا نہیں پا رہا ہوں. تو آپ 9588888826 پر ایک کال کر لیں گے آئی پلس کا جو نارمل نمبر ہے کال سینٹر کا، تو ہم لوگ انشاءاللہ اس میں آپ کو ہاں اس پہ لگ جائے گا انشاءاللہ. یہ نمبر خالی پروگرام کے دوران زیادہ بزی ہوتا ہے جی. تو بہن ٹھیک، بہن ایکچولی اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے سامنے سے وہ ٹائم ختم کا ایک اشارہ مل چکا ہے، تو ہم لوگ معذرت چاہوں گا جی. ایکچولی کچھ آواز برابر نہیں آئی، لیکن ہم لوگ اللہ سے تہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جو جو مشکلیں اللہ تعالیٰ ساری مشکلوں کو دور کر دے اللہ سے بہت دعا کرتے ہیں. آپ کیا کریے کہ صبر رکھیے، آپ جمے رکھیے رہیے، اللہ سے مدد بھی مانگیے اور ذریعے بھی اختیار کریے، پرابلم کا کیا سلیوشن ہے وہ بھی دیکھیے. تھوڑی سی زندگی ہے، یہ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو، اور ہم اس میں بس جمے رہیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ان مال اسری اسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو آپ کو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ملے گی ہی ملے گی. آپ وہ آسانی دیکھنے کی کوشش کرو کہ آسانی کہاں ہے، مشکل تو دکھ رہی ہے آسانی کہاں ہے، اس پہ فوکس کریے. اللہ سے دعا ہے اللہ اس مسئلے کو دور حل کر دیں، آپ کی پریشانی کو حل کر دیں. میں آپ سب بھائیوں بہنوں کو ابھاروں گا کہ آپ اس رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں انشاءاللہ، آئی پلس ٹی وی کے پروگرام سے استفادہ حاصل کریں، اسے بینیفٹ حاصل کریں، اور اس اسلامک ٹی وی چینل کے کا تعارف لوگوں تک پہنچائیں، ان کو اس چینل سے الحمدللہ جوڑنے کی کوشش کریں. ہم ایک بہت بڑی سٹرگل کر رہے ہیں بہت کم محدود سے ذریعوں کے ساتھ. آپ سب کو میں دعوت دوں گا کہ آپ اس کام میں ہمارے ساتھ بھی دیں، ہمارے ساتھ شریک بھی ہوں. اسی چیز کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے کل انشاءاللہ. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام ذہنی پریشانیوں کا علاج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.